गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम लोग यहाँ पर पंच केदार में से एक जो चमोली में स्थित है रुद्रनाथ की व्याख्या करेंगे। जैसे हम लोग पंच केदार को लेते हैं, पंच केदार, इन पे पंच केदारों में से पहला हमारा केदारनाथ, दूसरा मदमहेश्वर और तीसरा हमारे पास तुंगनाथ, दो हमारे पास चमोली में है जिसकी व्याख्या हम लोग यहाँ करेंगे। चमोली में एक कौन, रुद्रनाथ, और दूसरा उर्गम घाटी में कल्पेश्वर। कल्पेश्वर का ध्यान रखना है उर्गम घाटी, और उर्गम घाटी का चमोली में। तो हम आज इसी रुद्रनाथ की चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं केदारनाथ में भगवान शिव के पृष्ठभाग की पूजा, मध्यमेश्वर में नाभि की पूजा, तुंगनाथ में भुजा की पूजा। ये तीनों हमारे कहाँ है, ये तीनों हमारे पड़ेंगे रुद्रप्रयाग जिले में। अभी रुद्रप्रयाग जिला भी चल रहा है, वहाँ पर देख लेंगे इसको। और ये दो हमारे कहाँ है, चमोली में। तो आज पंच के द्वारा में से हम चमोली में स्थित रुद्रनाथ को देखेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने रुद्र चमोली डिस्ट्रिक्ट में किसको देखा था, फूलों की घाटी को देखा था। तो आज हम लोग यहाँ रुद्रनाथ को देखेंगे। रुद्रनाथ जाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जाना पड़ेगा गोपेश्वर, ठीक। इस गोपेश्वर में किसका मंदिर है, गोपीनाथ का मंदिर, ठीक है। किसका मंदिर, गोपीनाथ का मंदिर। गोपेश्वर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हम गोपेश्वर में देखते हैं तो गोपेश्वर में हमारे पास गोपेश्वर का जो पुराना नाम है गौस्थल, ठीक। और इस गोपेश्वर को अभिलेखों में क्या कहा गया है, गौथला। रुद्रनाथ की यात्रा गोपेश्वर से प्रारंभ होती है, लेकिन जब हम गोपेश्वर को देखते हैं तो गोपेश्वर में यहाँ पर त्रिशूल अभिलेख है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, त्रिशूल अभिलेख, ठीक। मध्य हिमालय में कभी जब नागवंशों का यहाँ पर अस्तित्व था तो नागवंश के समय में यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा था उसने रुद्र हिमालय के निकट त्रिशूल अर्थात शक्ति को स्थापित किया था। ये जो त्रिशूल अभिलेख है, इस त्रिशूल अभिलेख में चार नागों के नाम हैं, ठीक है। और ये त्रिशूल अभिलेख किसका है, गणपति नाग का, गणपति नाग, अंशुनाग जिनके नाम इसमें हैं, स्कंद नाग और एक और है विभुनाग। इन चारों के नाम इस त्रिशूल अभिलेख में है, ठीक। तो ये जो त्रिशूल अभिलेख है ये नागवंश के राजा गणपति नाग के द्वारा यहाँ पर रुद्र हिमालय के समक्ष इसको स्थापित किया गया था, और यहीं से हमें यहाँ पर नागवंश की चर्चा मिलती है, ठीक है। तो जैसे हम गोपेश्वर है तो गोपेश्वर से हम गोपेश्वर में त्रिशूल अभिलेख बहुत जा एक बाड़ाहाट में भी है त्रिशूल अभिलेख, ठीक। तो गोपेश्वर से हम गोपेश्वर से हमारी किसकी यात्रा शुरू हो जाती है, रुद्रनाथ की। रुद्रनाथ जहाँ भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा होती है, पंच केदारों में से चौथा केदार। यात्रा शुरू होगी गोपेश्वर से सीधे सगर, सगर तक आप अपने गाड़ी से जाएंगे, ठीक है, गाड़ी या वाहन से। सगर के बाद फिर क्या हो जाती है, यात्रा शुरू हो जाती है। इस यात्रा के दौरान आपको कई बुग्याल देखने को मिलेंगे, पुंग बुग्याल, थोड़ा आगे जाओगे पनार बुग्याल,
आगे दत्तात्रेय का मंदिर, उत्तराखंड में कई जगह है ये। फिर आगे जाओगे अनुसुईया का मंदिर, अनुसुईया देवी का मंदिर, ठीक है। आगे जाएंगे हम लोग तो हम लोगों को यहाँ पर लुइटी बुग्याल, फिर आगे जाओगे कांडे बुग्याल, फिर और आगे की तरफ निकलेंगे हम लोग हंस बुग्याल, जी यात्रा आपकी होती रहेगी। आगे जाके आप लोग कहाँ पहुँचेंगे, रुद्रनाथ, ठीक है। तो रुद्रनाथ में जो भगवान शिव का ग्रेनाइट का ट्रायंगल शेप का मूर्ति है वो एक गुफा के अंदर है, लेकिन यहाँ पर भी कत्यूरी शैली में बना हुआ क्या है, भगवान शिव का मंदिर है। ठीक, रुद्रनाथ। इस रुद्रनाथ से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर वैतरणी कुंड मिलेगा। अभी बताते हैं इसका मतलब, वैतरणी कुंड मिला। इस वैतरणी कुंड के दो नाम हैं, रति कुंड या इसका दूसरा नाम है यम की नदी। ठीक, तो हम गोपेश्वर से सागर तक ये लगभग 5 किलोमीटर है, ये मोटर मार्ग है, ठीक है। उसके बाद बुग्यालों से होते हुए और कई प्राकृतिक स्थलों से होते हुए हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, रुद्रनाथ। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, जो इस रूट के बुग्याल है उसको आप ऐसे लिस्टेड कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि बुग्याल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में एक बुग्याल पूछा जाता है, पुंग बुग्याल, पनार बुग्याल, लुइटी बुग्याल, और कांडे बुग्याल, और हंस बुग्याल। ये सारे के सारे बुग्याल कहाँ पड़ गए, हमारे चमोली में, और किस रूट में, रुद्रनाथ के रूट में। कहाँ से, गोपेश्वर से लेकर रुद्रनाथ। तो जब हम रुद्रनाथ पहुँचते हैं तो रुद्रनाथ के ऊपर लाल माटी, कौन लाल माटी, ये जो लाल माटी है की घाटी, ये ब्रह्म कमल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, किसके लिए फेमस हो गया, ब्रह्म कमल के लिए। तो इसी लाल माटी की घाटी से ब्रह्म कमल को लाकर भगवान शिव को यहाँ पे अर्पित किया जाता है रुद्रनाथ में, और भगवान शिव के यहाँ पर किसकी पूजा होती है, रौद्रमुख की पूजा होती है रुद्रनाथ में। इसी रुद्रनाथ से नीचे की तरफ लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस में वैतरणी कुंड है, जहाँ पर पौराणिक, जिसका अपना पौराणिक महत्व है, और इस वैतरणी कुंड में पितृतर्पण का कार्य होता है। लेकिन मार्ग खराब होने के कारण पितृतर्पण का कार्य कहाँ से होता है, रुद्रनाथ से। ऐसा माना जाता है कि पूरे भारत में जो सबसे बेहतर पितृतर्पण का कार्य होता है, या जो बेहतर पितृतर्पण माना जाता है, वो रुद्रनाथ से माना जाता है। रुद्रनाथ में भी वो लोकेशन कौन है हमारे पास, वैतरणी कुंड है। लेकिन वैतरणी कुंड तक पहुँचने तक का मार्ग काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इस वजह से रुद्रनाथ से क्या किया जाता है, रुद्रनाथ से पितृतर्पण का कार्य किया जाता है, ठीक है। तो ये वैतरणी कुंड है, इसी को हम रति कुंड, इसी को यम की नदी, या इसी को हम क्या कहते हैं, भवसागर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो जो ये रुद्रनाथ है, इस रुद्रनाथ में जो पंच केदारों में से चौथा केदार है, यहाँ पर भगवान शिव की किसकी पूजा हुई, रौद्रमुख की पूजा हुई।
और रुद्रनाथ दो चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। किसके लिए? एक तो ऊपर ब्रह्म कमल के लिए, पंच केदारों में से कौन सा केदार ब्रह्म कमल के लिए प्रसिद्ध है? तो रुद्रनाथ के उत्तर में एक लाल माटी की घाटी है जहाँ हजारों वर्ग किलोमीटर में क्या है, ब्रह्म कमल फैला हुआ है। इस ब्रह्म कमल की स्मेल इतनी ज़्यादा तेज है कि अगर आप यहाँ 10-15 मिनट रुके तो आपका सर दर्द हो सकता है, ठीक है। तो ये भी है कि जब इस ब्रह्म कमल, जब ये लाल माटी से चलने वाली हवाएं उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ चलती है तो आसमान में उड़ते हुए कौवे क्या हो जाते हैं, बेहोश होकर नीचे काकभुसंडी ताल में गिर जाते हैं। इसीलिए काकभुसंडी ताल को क्या कहा गया है, जहाँ पे कौवे लोग सुसाइड करते हैं। अब चल गए वो ब्रह्म कमल की स्मेल से क्या हो जाते हैं, उड़ते उड़ते बेहोश हो जाते हैं और यहाँ काकभुसंडी ताल में गिर के मर जाते हैं। तो पहले लोग सोचते थे कि ये यहाँ पर सुसाइड करते होंगे करके, लेकिन बाद में रिसर्च से पता चला कि उन्होंने ज़्यादा क्या सूंघ लिया था, ब्रह्म कमल की स्मेल को सूंघ लिया था, जिससे वो उड़ते उड़ते आसमान में क्या हो जाते थे, बेहोश होकर काकभुसंडी ताल जो कि चमोली में है वहाँ पर गिर जाते थे, ठीक है। तो हमारा रुद्रनाथ पंच केदारों में से रुद्रनाथ एक किसके लिए फेमस है, ब्रह्म कमल के लिए। किसके लिए फेमस है? ब्रह्म कमल के लिए। पंच केदारों में से वो कौन सा केदार है जो पितृतर्पण के लिए फेमस है? तो पितृतर्पण का काम हमारा कहाँ होता है, एक्चुअल में होता तो कहाँ से है, वैतरणी कुंड से होता है, लेकिन वैतरणी कुंड का मार्ग मैंने बताया था खराब है, तो वो काम भी कहाँ से होता है पितृतर्पण का हमारा, रुद्रनाथ से, ठीक है। और रुद्रनाथ में किसकी पूजा होती है, भगवान शिव के रौद्रमुख की पूजा, ठीक। अब तो ये रुद्रनाथ बहुत ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे है, तो रुद्रनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ हो जाएगी, गोपेश्वर, ठीक है। इसको आप लिख लेना, इसको मैं मूव हटा दे रहा हूँ, यहाँ से मूव कर दे रहा हूँ उसको, वगैरह। तो अक्टूबर नवंबर में क्या हो जाता है, रुद्रनाथ बहुत ज़्यादा अधिक ऊंचाई पर होने के कारण रुद्रनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, ठीक। और रुद्रनाथ की डोली कहाँ लाई जाती है, गोपेश्वर, रुद्रनाथ। और शीतकालीन पूजा कहाँ हो जाएगी इनकी, शीतकालीन पूजा हो जाएगी गोपेश्वर। दोनों चमोली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। शीतकालीन पूजा, ठीक है। तो रुद्रनाथ की शीतकालीन कहाँ पूजा होगी, गोपेश्वर। गोपेश्वर उत्तराखंड में गोपीनाथ के मंदिर के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। गोपेश्वर का पुराना नाम गौस्थल तथा अभिलेखों में इसको हमने क्या कहा, गौथला कहा। जब हम तुंगनाथ जाते हैं, तुंगनाथ जो रुद्रप्रयाग में पड़ेगा, तो एक मार्ग गोपेश्वर से कहाँ, चोपता बुग्याल, और चोपता बुग्याल से फिर कहाँ, सीधे तुंगनाथ। तो एक रूट यहाँ से उखीमठ, उखीमठ से चोपता बुग्याल, चोपता बुग्याल से सीधे कहाँ, तुंगनाथ। तो तुंगनाथ जाने का मार्ग भी कहाँ से पड़ जाएगा, गोपेश्वर से, ठीक है। तो गोपेश्वर ऐसा भी माना जाता है कि गोपेश्वर से बद्रीनाथ और केदारनाथ की डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। गोपेश्वर से जितनी दूरी पर केदारनाथ है उतनी ही दूरी पर कौन है, उतनी दूरी पर बद्रीनाथ धाम भी है। तो गोपेश्वर चमोली या उत्तराखंड का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर न ज़्यादा ठंडा होता है और न ज़्यादा क्या होता है, गर्म होता है, ठीक है। और गोपेश्वर का सबसे ज़्यादा फेमस क्या है, त्रिशूल अभिलेख। और इस त्रिशूल अभिलेख को बनाने वाला कौन है, इस त्रिशूल अभिलेख का जिसने स्थापित किया था वो कौन है, गणपति नाग है, ठीक है। और एक त्रिशूल अभिलेख कहाँ है, यहाँ पर हमारा वहाँ उत्तरकाशी में बाड़ाहाट में है। तो त्रिशूल यहाँ पर शक्ति का प्रतीक है, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल्पेश्वर जाएंगे, उर्गम घाटी में, हेलंग जल विद्युत परियोजना उर्गम घाटी में देखेंगे क्या क्या है वहाँ पर। चमोली में स्थित कौन सा है, चमोली में स्थित पंच केदार है, ठीक, जहाँ भगवान शिव की केश की पूजा होती है वो उर्गम घाटी में है। तो उर्गम घाटी, हेलंग घाटी, ठीक।
ठीक है, बंसी नारायण का मंदिर हो गया बासा गांव, और उस तरफ दो चार एक मनपाई बुग्याल, उस चीज़ को उन सभी स्पॉटों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही, आप लोग नोट्स बनाते रहो, ठीक, चलो थैंक यू।